ट्रेंडिंग प्लेसेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको हाथी मंदिर दानहुंट और जिला नाखोन रत्चासिमा कोरोट थाईलैंड ले जाएंगे। थाईलैंड के डैंगखुनथौर जिले में स्थित एक मंदिर जिसे हाथी मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, वॉट बान राय के बारे में आपने सबसे पहले ध्यान दिया कि यह कितना विशाल है। आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आप थाई ग्रामीण इलाकों में अपनी यात्रा में खो गए हैं। इस कोलोसस को देखने के लिए जो थाईलैंड के कुटफिमान शहर के पास नाखोन रत्चासिमा कोरोट से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है, लेकिन एक बार जब आप देखते हैं 42 मीटर ऊंचा 4 मंजिला थिप्विटायाकोम विहार एक कछुए के शरीर पर 520 टन चीनी मिट्टी के हाथी के सिर के साथ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप आ गए हैं। वॉट बान राय के अत्यधिक सम्मानित मठाधीश लून फोर कून हैं, जो हाल ही में 90 वर्ष के हो गए हैं, जो सिखाते हैं कि धमकी सबसे सरल समझ सबसे अच्छी है और सतह पर भले ही वह अस्तित्व में सबसे शानदार आधुनिक बौद्ध मंदिरों में से एक है। मंदिर को संपन्न स्राग द्वारा डिजाइन किया गया था और मंदिर के निर्माण के साथ साथ विस्तृत मोज़ेक कार्य 400 से अधिक स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किया गया था, जिनकी देखरेख क्रियंक्राई जारुथवी ने की थी, जिन्होंने 200 मीटर दूर से एक दूरबीन के माध्यम से मंदिर के निर्माण के हर चरण को देखा था। मंदिर का निर्माण एक सावधानी पूर्वक प्रक्रिया थी जहां एक व्यक्ति एक दिन में एक वर्ग मीटर से अधिक सिरेमिक नहीं लगा सकता था। वॉट बान राय पानी से घिरा हुआ है और आप एक लंबे पुल के माध्यम से प्रवेश करते हैं जो 219 सिरों वाले नागाओं द्वारा संरक्षित है। पहली मंजिल पर 6 विशाल चित्र हैं जो बुद्ध के जन्म से लेकर ज्ञानोदय तक के जीवन को दर्शाते हैं। वहां से एक कालीन पहिया कुर्सी मूल्यांकन योग्य रैंप हवाएं ऊपर की ओर 4 कहानियां। आप बौद्ध धर्म की शिक्षा के इतिहास को दर्शाने वाली सैकड़ों मिश्रित मीडिया कलाकृतियां देखेंगे। शीर्ष पर पहुंचने पर आपको एक खुली हवा में आंगन से स्वागत किया जाता है जो ग्रामीण इलाकों और वॉट बान राय के असाधारण दृश्य प्रस्तुत करता है। आप 2 कांस्य मूर्तियों 7 मीटर ऊंची बुद्ध और लून फो कून की 5 मीटर ऊंची मूर्ति के साथ दृश्य साझा करेंगे। आशा है आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे सभी वीडियो देखते रहें।